दिन तारीखी इमारतों से लहस इस शहर औरंगाबाद में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूँ अली और आज मैं आपको किलेरख के एक जनाना महल यानी जेबुनिसा महल का तारुफ कराऊंगा। नाज़रीन, किलेरख से आप सभी वाकिफ़ है, किलेरख मुग़ल सल्तनत का बनाया हुआ एक शाही किला है जिसकी तामीर सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने रहने के लिए और हुकूमत के कामकाज को अंजाम देने के लिए 1650 के दरमियान की थी। किलेरख में दीगर इमारतें मौजूद है जिसमें जनाना महल यानी जेबुनिसा महल भी मौजूद है। इस महल को जनाना महल यानी जेबुनिसा महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महल में मुग़ल ख़ानदान की शाही ख़वातीन रहा करती थी और जेबुनिसा औरंगज़ेब आलमगीर की सबसे चहीती बेटी थी। नाज़रीन, जनाना महल एक बड़ा ही खूबसूरत आलिशान और ख़दीम महल है जिसकी तामीर में चूना, ईंट, पत्थर और ख़ास तौर पर सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ये महल ग्राउंड फ्लोर मिला के 3 मंजिला महल है, लेकिन आज बड़े अफसोस की बात यह है कि जनाना महल अपने जवाल पर है और अपनी ज़िंदगी की और अपने जवाल की दास्तान सुनाता हुआ नज़र आता है। तो नाज़रीन, चलिए मैं आपको इस महल के अंदर के हालात से, अंदर के मामलात से रूबरू कराता हूँ। दोस्तों, जब सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर सन 1635 से 1658 के दरमियान दखन सूबेदारी की हैसियत से आए थे तो उन्होंने औरंगाबाद के जुनूबी जानिब एक आलिशान किला तामीर किया था और इसी किले में दीगर इमारतें मौजूद हैं और उन्हीं इमारतों में ये जनाना महल है। जनाना महल में कई सारे रूम्स, हॉल्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये जनाना महल का सबसे ऊपर का मंजिला है। इस महल की तामीर के लिए ईंट, पत्थर, चूना और ख़ास तौर से सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल इस महल में ख़ास तौर से मजबूती के लिए इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक ज़माना था कि जनाना महल अपने उरूज पर था और आज अपने जवाल पर है। एक दौर था कि जब इस महल में मुग़ल ख़ानदान की शाही ख़वातीन रहा करती थी। नाज़रीन, जनाना महल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आज ये महल अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जनाना महल का ऊपर का मंजिला है और अब चलिए नीचे के मंजिले पे चलते हैं। दोस्तों, जनाना महल भी 2008 तक के गवर्नमेंट कॉलेज की इमारत थी, लेकिन 2008 के बाद इस महल को खाली कर दिया गया था। नाज़रीन, इस महल को 350 से 400 साल गुजर चुके हैं और आप इस इमारत को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में किस कदर शानो शौकत ये महल की होंगी। नाज़रीन, जनाना महल का ये नीचे का फ्लोर है और आप देख सकते हैं कि ये फ्लोर आज भी मजबूत है और इस नीचे के फ्लोर में ख़ास तौर से खालिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं हम जनाना महल के ग्राउंड फ्लोर पे है। ये उस जमाने में झरना हुआ करता था और ये झरना कमल के फूल के लिए फेमस था। नहरे अंबरी से
इस झरने में पानी लाया जाता था, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।